सर हमारी परेशानी मतलब 20 दिन से ज़्यादा चल रही है, लेकिन तो ये 2 साल से चल रहा है मसला। 15-20 दिन से हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसमें हमारी एक स्कीम बनी हुई है पठाना तीर लिफ्ट स्कीम। हमारा मसला ये है कि वो प्रोजेक्ट के मुताबिक काम चला जाए, लेकिन डिपार्टमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से हमारे वहाँ ये कंट्रोवर्सी बनी है। तो हम इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि हमारा ये मसला जो है कि हाई लेवल तक पहुँचाया जाए। तो महकमे के जो PHE के बाला ऑफिसर हैं उनके नोटिस में लाया जाए, तो उनको यहाँ बुला कर, ये तो हमारा मसला है, हमने एक कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है, इसको भी इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए इसकी, तो जो हमारी स्कीम है उसको बहाल की। तो आप क्या कहेंगे आला हुकाम के और डी साहब ने किस तरह का यकीन दानी? डी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि मैं बाला ऑफिसर से, मैं डी साहब जम्मू मीटिंग में गए हुए हैं, तो उनके नोटिस में लाऊंगा, उनको बुला कर ये मसला मैं हल करूँगा। मैं जिस हिसाब से हमें पानी के लिए मुश्किल है बहुत, हम पठानीर दूर दराज इलाके रहने वाले हैं, हमारे यहाँ कोई चश्मा नहीं है जी, कुछ नहीं है पानी, जो चश्मा सूख गए हैं। तो इन दिनों में हम मकानों के ऊपर पानी जमा करके वहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे हमें जो पानी की किल्लत है वो दूर की जाए। आप डी सी साहब से मिले और डी सी साहब करेंगे, लेकिन हमने ये कहा उनको कि अगर दोबारा पाइप लगी या अगर इस बात पर एक्शन ना हुआ तो दोबारा अगर पाइप लगी तो हम इसको 10 या 20 हज़ार आदमी सफ़र हो जाएंगे। इसलिए जनाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस बात को सही बना।